हेलो एवरीवन, आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड पोएम, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है, उसको रीड कर रहे थे। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Far from the madding crowds, ignoble tribes, their sour wishes never learned to stray. Along the cool, sequestered ballet of life, they kept the noiseless tenure of their bay. तो इन लाइन्स में जो स्पीकर है थॉमस ग्रे, वो जो है वो गरीब लोगों की, जो पुअर लोग हैं, सिंपल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनकी लाइफ की तारीफ़ कर रहा है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से बिल्कुल दूर। भीड़ भाड़ वाला इलाका कहाँ है? सिटी में, पॉलिटिकल लाइफ में। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर सिंपल तरीके से गांव में रहते हैं, और उनकी जो विशेष हैं, सिंपल सी विशेष जो है, उन विशेष ने उनको कभी भटकने नहीं दिया। कॉमन लोग, कॉमन सी विशेष थी उनकी, लेकिन इस जो संसार में बहुत गलत रास्ते पर उनको कभी चलने नहीं दिया। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वैली ऑफ लाइफ, कि जो वो लोग सिंपल लोग जो है वो एकांत में रहना पसंद करते थे। गांव का वातावरण बिल्कुल एकांत होता है, सिंपल होता है, शुद्ध होता है, तो वो ऐसे वातावरण में ही रहना पसंद करते थे, और उन्होंने कभी अपने रास्ते को नॉइसलेस सिंपल रखा, बिना आवाज़ के रखा। इस पोएम में जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वर्ड्स हैं, इन यही वर्ड्स थॉमस हार्डी के नॉवल में हैं। उनका नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी ने इन्हीं थॉमस ग्रे की इन्हीं लाइन से लिया है। येट इवन दीज वॉन्स From insult to protect, some frail memorial still erected high, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sire. जो poet है वो हमको याद दिलाता है कि ये जो common लोग हैं, ये जो बहुत पहले मर चुके हैं और कब्र में हैं, ये powerful नहीं थे, ना ही ग्रेट थे, सिंपल लोग थे, और इन्होंने कभी इनकी आफ्टर डेथ इनके ऊपर, इनकी जो कब्र है उसके ऊपर कोई मेमोरियल, एलेबोरेट मेमोरियल नहीं बनाया गया, और ना ही उसके ऊपर कुछ लिखा गया। येट दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, लेकिन फिर भी इन लोगों की इच्छा थी कि इनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट किया जाए। तो इनकी याद में केवल वहाँ पर ऊँचे ऊँचे पत्थर रख दिए गए, और वहाँ पर उनकी कब्र के ऊपर ना ही कुछ सिंपल सी राइम, देहाती लाइनें लिख दी गई, शेपलेस स्कल्पचर, शेपलेस स्कल्पचर पत्थर रख दिए गए। Implore the passing tribute of a sire, कि यदि वहाँ कोई बैठे या फिर वहाँ से कोई गुजरे तो वो इन सब चीज़ों को देखे और एक ट्रिब्यूट के रूप में एक आहा भरे, एक साय भरे। तो पोइट जो है वो कि कोई भी व्यक्ति इन कब्रों को देख करके वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके और उनके विजी लाइफ को याद करें, जो लोग मर चुके हैं उनकी विजी लाइफ को जाने।
their name, their years, spelt by the unlettered muse. The place of fame and elegy supply, and many a holy text around the she stews, that text the rustic moralist to die. कि जो फेम वो भी चाहते हैं, ये सिंपल लोग, कॉमन लोग भी चाहते हैं कि आफ्टर डेथ उनका नाम वहाँ पर लिखा जाए, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ उन स्कल्पचर के ऊपर लिखी जाए. तो वो लिखी तो है, किसी अशिक्षित व्यक्ति ने लिखी है, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आती है कि वो क्या लिखा है. द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, कि जो लोग यहाँ पर बरीड है वो उनके सिंपल से टोम्बस्टोन बने हुए हैं जो केवल उनके नाम को, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ को डिस्प्ले करते हैं. दीज कॉमन मैन वर नॉट फेमस एंड नो वन हैज़ रिटन एलाबोरेट एलिजीज और फ्यूनरल वर्सेस फॉर देम. फिर भी जो उनकी जो टोम्बस्टोन है वो टेस्टिफाई करती है नोबिलिटी को और होली नेचर को उनके सिंपल जीवन में. As such, they provide an example not so much of how life should be lived and how its end, death, should be approached. The term in this stanza, rustic moralist, here is open to interpretation. It may refer to anyone who is in the countryside thinking about the meaning of death. But not likely it refers to the speaker who is himself moralizing, preaching or contemplating about the nature of both life and death. For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing in lingering look behind. कि यदि कोई व्यक्ति pleasing, anxious जीवन को छोड़ करके जाता है जब मरता है, और अपने जो warm वातावरण है, cheerful, उसको छोड़ करके जाता है, तो फिर वो वापस मुड़ के देखता है, उसकी भी इच्छा होती है कि सब लोग उसे याद करें, लेकिन डम फॉरगेटफुलनेस शिकार बना लेती है. तो जो स्पीकर है वो रीजन देता है कि जो मोस्ट पीपल जो कि मरते हैं, अल्टीमेटली हर किसी को मरना है, तो वो भुला दिए जाते हैं बाय द टाइम. लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ट्रबल्स और वरीज ऑफ लाइफ आर एन्जॉयबल इन कंपैरिजन टू डेथ, कि समस्याओं का और चिंताओं का जो जीवन में आती रहती है उनका आनंद लिया जाना चाहिए, उनका फेस करना चाहिए, ना कि उनसे छिप करके भागना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.